एंड टाटा इतने साल से ये कार्स बना रहे हैं एंड आई थिंक उनको इस चीज़ों में ज़रूर वर्क करना चाहिए बिकॉज ये सच में ये मेजर इश्यूज लगते हैं। तो पेंट क्वालिटी को लेके भी एक थोड़ा बहुत इशू है एंड हो सकता है कि वो कुछ पर्टिकुलर यूनिट पे ही आ रहा हो, सब पे ना हो। एंड कोई भी बंदा यार जो 15-16 लाख या सिर्फ कार अपने कार पे खर्च कर रहा है वो जरूर नहीं चाहेगा कि उसके कार्स में ऐसे इशू हो। हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स एंड कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्सॉन के बारे में एंड अगर आप भी टाटा लवर्स हो ना तो हो सकता है आज की वीडियो से आप थोड़ा डिसअपॉइंट फील करो बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं नेक्सॉन के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के एंड अगर आप भी ये कार लेने का प्लान कर रहे हो तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप इस कार को लेने की सोच रहे हो। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो कि आपको नेक्सॉन में देखने को मिलेंगे और जो कमियां हैं बेसिकली इस कार की, उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो गाइस जैसे आपने पहले भी कई वीडियोज़ में सुना होगा कि नेक्सॉन में कई जगह आपको फिट एंड फिनिश का इशू दिखता है, कई जगह आपको पैनल गैप्स दिखते हैं, तो वो जो पॉइंट्स हैं ना वो बिल्कुल सही हैं बिकॉज आपको इस कार में बहुत जगह ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जो पैनल गैप्स का इशू है वो आपको इस कार में हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, आप यहाँ पे देख सकते हो इस पैनल में कितना गैप है एंड जब मैं यहाँ सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ के पैनल का गैप भी आप देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो फिनिशिंग के हिसाब से ये लाइट आपको यहाँ पर मैच होती हुई दिख रही है एंड वहीं अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं फिट एंड फिनिश की जो आपको लगता है, जो दिखती है इस कार में एंड कहीं ना कहीं यार टाटा को इस चीज़ को समझना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं आप ह्युंडई जैसे ब्रांड के साथ कंपटीशन कर रहे हो, आप नंबर 2 पोजीशन के लिए आप दोनों ब्रांड्स, ये दोनों ब्रांड्स एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। और बात करी जाए फिट एंड फिनिशिंग की, जो आपको ह्युंडई में आपको फिट एंड फिनिश दी जाती है, टाटा की फिट एंड फिनिश उसके आसपास भी नहीं ठहरती। काफ़ी जगह आपको ये पैनल गैप्स वाले इशू देखने को मिल जाएंगे एंड टाटा इतने साल से ये कार्स बना रहे हैं एंड आई थिंक उनको इस चीज़ों में ज़रूर वर्क करना चाहिए बिकॉज ये सच में ये मेजर इश्यूज लगते हैं। एंड कोई भी बंदा यार जो 15-16 लाख या सिर्फ कार अपने कार पर खर्च कर रहा है वो जरूर नहीं चाहेगा कि उसकी कार्स में ऐसे इशू हों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ जो आपको टाटा की कार्स में देखने को मिलेगा, वो आपको कहीं ना कहीं आपको पेंट क्वालिटी वाला इशू भी टाटा की कार्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको कई जगह इसके पेंट में कई जगह आपको सॉयल मार्क्स दिखाई देंगे, अभी इतना क्लियर विजिबल नहीं हो पा रहा है कैमरे में बट कई जगह आपको पेंट्स में इसके सॉयल मार्क दिखेंगे, पेंट काफ़ी रफ फील होगा कहीं जगह पर आपको, तो पेंट क्वालिटी को लेके भी एक थोड़ा बहुत इशू है एंड हो सकता है कि वो कुछ पर्टिकुलर यूनिट पे ही आ रहा हो, सब पे ना हो, बट मैंने जितना नोटिस किया है मुझे पेंट क्वालिटी को लेके भी एक इशू लगा है टाटा की कार्स में। तो ये एक इशू है जो आपको अगर आप प्लान कर रहे हो नेक्सॉन लेने का या टाटा की कोई और कार लेने का तो हो सकता है आपको फेस करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ जो पर्टिकुलर नेक्सॉन से रिलेटेड है एंड जो मुझे फील होती है वो है इस कार के डिज़ाइन को लेके। एंड जैसे आप ये देख रहे हो ये SUV सेगमेंट की कार आती है बट इसका जो डिज़ाइन है वो पूरा प्रॉपर बॉक्सी स्टाइल नहीं है, बॉक्सी डिज़ाइन के साथ ये नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये जो आप ये स्लोप देख रहे हो ना, ये स्लोप जब भी आप कार में एंटर करते हो तो आपको ये चीज़ ना डिस्टर्ब करती है, आपको थोड़ा बैंड होके एंटर करना पड़ता है कार में बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो स्लोप है आपको देखने को मिलता है, ये स्लोप आपको लगता है आपके सर पर एंड आपको ज़्यादा कन्वीनियंटली आप अंडर एंटर नहीं कर पाते हो कार के। एंड वही बात करूँ अगर ये कार बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आती है, जैसे कि आप सामने देख रहे हो वेन्यू में ये स्लोप आपको थोड़ा स्ट्रेट मिलेगा जिसकी वजह से आपको कार के अंदर एंटर करना ईजी हो जाता है, वहीं नेक्सॉन में ये स्लोपी डिज़ाइन की वजह से थोड़ा सा अंदर कार के अंदर जाने में आपको थोड़ी सी इशू होते हैं या प्रॉब्लम होती है। करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको फील होगा अगर आप नेक्सॉन लेने का प्लान कर रहे हो वो है हेडरूम, बिकॉज आप देखोगे तो पीछे से थोड़ा सा कूपी डिज़ाइन स्लोप सा डिज़ाइन आपको मिलता है जिसकी वजह से रियर सीट में हेड रूम थोड़ा सा कम आपको फील होगा। एंड ये तो अभी इसका स्मार्ट प्लस वेरिएंट है, अगर आप इसके अपर वेरिएंट में जाते हो जहाँ पे आपको सनरूफ मिलती है उस केस में आपका जो हेड रूम है वो आपको पीछे थोड़ा और कम दिखाई देने को मिलता है बिकॉज सनरूफ का आपका आधा पोर्शन आ जाता है, इसकी वजह से पीछे का हेड रूम थोड़ा और कम आपको देखने को मिलता है। तो एक हेड रूम वाला इशू है जो आपको नेक्सॉन में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट कहीं ना कहीं इस कार के इंजन से रिलेटेड है।
ये कार 1.2 लीटर रेवट्रॉन इंजन के साथ आते हैं, 3 सिलेंडर इंजन है। एंड बोलने वाली बात है गाइस, बट अभी भी लोग बोलते हैं कि फेज टू आने के बाद नॉइज़ एंड वाइब्रेशन ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। नॉइज़ एंड वाइब्रेशन कम हुई है, बट अभी फ़िलहाल आपको इस कार में नॉइज़ एंड वाइब्रेशन देखने को मिलती है थोड़ी बहुत। बाहर से आपको नॉइज़ एंड वाइब्रेशन ज़्यादा फील होती है, वहीं कैबिन काफ़ी हद तक साइलेंट हो चुका है फेज टू कंप्लाइंट आने के बाद। बट हाँ, जो नॉइज़ एंड वाइब्रेशन NVH लेवल वाला इशू है वो आपको कार के बाहर से ज़रूर फील होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो इस कार में नेगेटिव मुझे फील होते हैं। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप क्या क्या राय है इन पॉइंट्स के बारे में। एंड आई होप आप लोग मेरी बातों से एग्री होंगे। एंड अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट्स मैंने मिस कर दिया है, कोई पॉइंट छूट गया, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो गाइस। तो गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रोडक्ट में कोई कमी है, प्रोडक्ट उस हिसाब से बढ़िया है। 1.2 लीटर इंजन भले ही नॉइजी हो, बट ये आपको इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करके देता है। ऐसा नहीं है कि नॉइज़ है, वाइब्रेशन है कार में तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कार के साथ, ऐसा नहीं है। अच्छा प्रोडक्ट है, बट जो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी इसमें रेज करी है, अपने इस वीडियो में रेज करी है, वो जेन्युइन इश्यूज़ हैं इस कार के साथ। एंड टाटा को ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए एंड इसका इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।